नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियोस में। फिर से आज हम बात करने वाले हैं दुबई इंश्योरेंस के बारे में, वो इंश्योरेंस जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। अगर आप यहाँ जॉब करते हैं, जॉब प्रोफाइल में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या दुबई इंश्योरेंस पॉलिसी ने भी लेके आया है मोहरे, और मोहरे ने ये इन्फॉर्मेशन क्यों निकाली है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या फायदा होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, अपने मोबाइल से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो अपने मोबाइल से आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, किन लोगों को ये बेनिफिट्स मिलेगा, और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो ये किस कंडीशन में आपको मिलेगा, वो सारी बातें हम वन बाय वन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ सके, और हो सकता है आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बात करेंगे एक एक पॉइंट करके। बात एक्चुअली में ये है कि अभी जो मोहरे है, मोहरे ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये कर दिया है कि जून से अगर आपका इंश्योरेंस पहले आपने अगर नहीं अप्लाई किया है तो जून के बाद आपको 400 दिरहम तक का फाइन लग सकता है, और हो सकता है कि ये फाइन आपको पर मंथ लगता रहे, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। तभी इस पर इन्होंने कोई क्लियर कट नहीं किया है कि इंश्योरेंस अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये 400 दिरहम जो फाइन लगने वाला है वो साल के हिसाब से लगने वाला है या महीने के हिसाब से लगने वाला है, पर इतना अश्योर है, आप देख भी सकते हैं कटिंग में हमने लगा रखा है कि 400 दिरहम तक का फाइन आपको लगेगा। अगर मान लिया जाए आप राक बैंक या कोई ऐसे अफिलेटेड बैंक जो डायरेक्ट आपके सैलरी अकाउंट से लिंक है, उनसे अगर आपने नेट बैंकिंग अगर करते हैं तो इस तरह का मैसेज जो आप देख रहे हैं, इस तरह का मैसेज आपके में भी जरूर आ रहा होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा आप सबके मोबाइल में ये मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कोई एक ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आपके लिए कोई काम की ना हो, ऐसा न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, दुबई में आप इम्प्लॉई हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखा करें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जॉब से रिलेटेड हो गया, पीएफ से रिलेटेड हो गया, आपका सेटलमेंट से रिलेटेड हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन है, या आपके लेबर किसी तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। बाकी हम वर्ल्ड वाइड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन दुबई की लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से रहने वाला हो, या सूडान, कहीं से भी जो हिंदी भाषी हो, हिंदी समझता हो, उसके लिए ये चैनल हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस है क्या, ये इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान ले जाए आपको पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट क्यों लेके आई है, इसको लाने के पीछे क्या रीज़न है, तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद हम पहले इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हम आपको फॉलो करते हैं तो हमारे फॉलो इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं, तो अपने मोबाइल से भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, और 2 या 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स में ये कम्प्लीट भी हो जाता है, और ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। और मंथली अगर आप कर रहे हो तो 5 दिरहम तक का आपका कट करेगा, अगर आप ईयरली करते हैं तो 65 दिरहम तक का आपके मोबाइल से कट होता है। ये इंश्योरेंस सभी के लिए अप्लीकेबल है, सभी को इंश्योरेंस करना है, जो भी वर्कर है, चाहे वो आपके हॉस्पिटलिटी में वर्कर हो, चाहे आपके आप कहीं पर होटल्स में कर रहे हों, या चाहे आप कहीं कंस्ट्रक्शन फील्ड में कर रहे हों, या कहीं ऑयल गैस में कर रहे हों, या आप कहीं किसी मॉल्स वगैरह में वॉचमैन, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या आपका डॉक्टर से रिलेटेड हो, या आपका सीधी सी बात में वर्कर कल्चर से रिलेटेड हो, या आप किसी ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी अगर आप दुबई में आप एम्प्लॉई हो, मतलब दुबई में आप एम्प्लॉय कर रहे हो, तो ये जो इंश्योरेंस है वो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सभी को इसको फॉलो लेना है। तो ये इंश्योरेंस है क्या दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता था कि छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, किसी के पास 50 एम्प्लॉय वाली कंपनी है, किसी के पास 70, 80, 100 एम्प्लॉय वाली कंपनी है, तो ऐसी छोटी कंपनीज अधिकतर क्या होता है, एम्प्लॉय तो रख लेती हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, छोटा सा प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद एम्प्लॉई वो निकाल देती है, यानी वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। अब उसका वीज़ा 2 साल का है, उसका प्रोजेक्ट अगर मान लिया जाए 1 साल में फिनिश हो गया, तो कंपनी उसको 1 साल के अंदर निकाल देगी। ऐसे कंडीशन में आपके पास अगर ये इंश्योरेंस है तो ये आपको क्या रिकवर करता है, ये आपको ये रिकवर करेगा कि आप 6 मंथ तक, जो कंपनी का नॉर्म्स है, कंपनी अगर कहती है कि मैं दिवालिया हो गई हूँ, मेरे पे एम्प्लॉय को देने के पास पैसे नहीं है, तो 6 मंथ तक का टाइमिंग जो है वो मोरे आपको देता है, जिससे आप अपने जॉब सर्च कर सकते हैं, अपने जॉब अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
और तब तक का आपका मेंटेनेंस जो चार्ज है वो बेसिक सैलरी के फॉर्म में आपको मिलेगा। वो कितना कितना मिलेगा आई बटन में आपको वीडियो देख रहा होगा, लास्ट वीडियो में हमने इसको बनाया था तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और बाकी इसमें हम बताएंगे ही आपको, लेकिन आप आई बटन से भी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी चीज़ें सारी बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने बेसिकली ये इसीलिए करा गया है, ये इंश्योरेंस जो है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जा सके और लोगों में एकदम से फ्रस्ट्रेशन ना आए। अगर किसी कंपनी में ऐसा धोखा होता भी है तो अपने आप को उसको संभालने में टाइम मिल जाए, जॉब सर्च करने में टाइम मिल जाए, जिससे वो स्टेबल हो सके और कुछ समय के लिए और दुबई में रुक सके। इन सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो ये थी अनएम्प्लॉयमेंट के से रिलेटेड इंश्योरेंस है, ये काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है। मुझे लगता है कि पहले ये था कि दुबई वीज़ा के लिए अप्लीकेबल होगा, लेकिन अब डाउट पूरा क्लियर हो गया है। आप चाहे दुबई वीज़ा है चाहे आपका जाब्जा वीज़ा है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि दुबई वीज़ा क्या होता है, जाब्जा वीज़ा क्या होता है और वो कितने कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। तो दोस्तों दुबई वीज़ा जो होता है वो 2 साल का होता है और जो जाब्जा वीज़ा होता है बेसिकली 3 साल एम्प्लॉयमेंट आपको देता है के लिए होता है। तो आपका किसी भी तरह का भी अगर अभी है जो आपका वीज़ा है वो किसी तरह का भी वर्किंग वीज़ा है तो आपको ये कराना ही कराना है। अब इसको कैसे कराना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले आते हैं और आपको खुद करके स्टेप बाय स्टेप देते हैं। ऐसे ही आप भी फॉलो कीजिए और ऐसे फॉलो करते हुए देखिए तो आपका भी जो है आसानी से हो जाएगा। सारे स्टेप्स करें, किसी भी स्टेप वीडियो काफ़ी भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपके एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा, फिर आपका कहीं पेमेंट अटक जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। हम एक आपको करके दिखाएंगे लाइव और आप देख सकते हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही और सटीक है। पॉइंट आया है इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका, एक एक स्टेप करके आप फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जानते हैं, क्योंकि आप लोग को बताना ज़रूरी है कि क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये नॉन रजिस्टर्ड इन मोरे है ILOE पोर्टल के अंतर्गत है। जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो 1x1 स्टेप से ये आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैं इसको सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ तो ये सब्सक्राइबर है, अभी मैं इसे अगर क्लिक करता हूँ तो आप खुद देखो क्या आगे प्रोसेस आता है। ये आ गया इंडिविजुअल्स, यानी कि आप किस सेक्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, नॉन रजिस्टर्ड इन द मोरे हैं। 3 तरह की प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो अधिकतर हम लोग जो आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत, यानी कि जो बाहर से जॉब करने के लिए इधर आए प्राइवेट कंपनी की हैं, या फिर आप कंपनी यूजर या ऑनर्स हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन नहीं है तो हम अभी जाएंगे बाहर। हम अगर करेंगे तो हम प्राइवेट पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस खुल के आता है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे क्या बेनिफिट्स और प्रॉफिट हैं। आप इसको अप्लाई करने के बाद OTP रजिस्टर्ड कीजिए, उसके बाद पेमेंट का रजिस्ट्रेशन का आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं कट। अब इसको कट करने के बाद अबाउट द इनवॉलेंट्री लॉसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। ये कहता है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेडरल डिक्री लॉ नंबर 13 ऑफ 2022 कंसर्निंग द इनवॉलेंट्री लॉसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि ILOE, दिस यूनिक स्कीम प्रोवाइड्स ए सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय हु लॉस देयर जॉब्स ड्यू टू रीजंस अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शंस, और या कोई हैंडीकैप्ड या कुछ हो जाता है, कोई अज्ञात कारण हो सकता है, या फिर आपका क्या है कि आपने रिज़ाइन दे दिया, आपकी नई जॉब नहीं लगी, तो उन दोनों कंडीशन में आपको ये प्रोवाइड कराता है सेफ्टी, यानी कि 60% तक की इनकम जो आपका बेसिक सैलरी का वो आपको मिलेगा। अभी हम देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या, तो चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ लगे हुए 3 डॉट पर अगर क्लिक करते हैं, ये 3 डॉट लगा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचेंगे। अभी हम देखें, ये हमने क्लिक किया, अब इसमें आप देख सकते हैं अबाउट LOE है, एलिजिबिलिटी है, बेनिफिट्स हैं, प्लान है ना, सब्सक्रिप्शन चैनल्स हैं, पेमेंट ऑप्शंस है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्टैक्ट अस करके भी आप इसको कर सकते हैं। अभी हमें इतनी करना नहीं, हमें 1x1 हम पढ़ेंगे तो देखते हैं। एलिजिबिलिटी में चलते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में क्या चीज़ है। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी में आप देखिए एमरेट्स एंड रेजिडेंस वर्किंग इन द फेडरल गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि सभी इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो फेडरल से यानी कि राजशाही से हो, या चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो,
अगर आप तीनों में से कोई भी एक फॉलो करते हैं, तो ये तीनों में से एक अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, इनके आप एलिजिबल हो। सबसे पहले चीज, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी डोमेस्टिक, देखो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी इसने दे दिया ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक हेल्पर है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, या फिर जुबिलियस अंडर द एज ऑफ 18 यानी कि 18 साल से भी अगर आप ऊपर के हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपको आप दुबई में हैं और आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में है, तो ये आप लाजिम करना है, चाहे आपके पास किसी तरह का ही वीज़ा क्यों ना हो। अब अगर हम नज़र डालते हैं कंपनसेशन बेनिफिट्स पर, यानी कि जो आपका कंपनसेशन या बेनिफिट्स है वो कितने तरह का बेनिफिट्स होने वाला है ना। तो बेनिफिट्स में आप देखो क्या क्या है। मंथली कंपनसेशन इज 60% ऑफ द एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ द रिसेंट 6 and prior मंथ्स ऑफ द इनवॉलेंट्री लॉसेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका किसी भी तरह से अगर जॉब जाती है और आपकी जो बेसिक सैलरी, मान लिया जाए बेसिक सैलरी दोस्तों यहाँ पर सभी जगह कैटेगराइज होती है, तो यहाँ भी कैटेगराइज है। हेल्पर की बेसिक सैलरी 750 से 900 के बीच होती है अप्रॉक्स, है ना। अगर आपकी भी इतनी ही अगर है यहाँ पर बेसिक सैलरी, तो इसी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो माफ कीजिएगा थोड़ा, तो जो बेसिक सैलरी है दोस्तों यही होती है ना, 750 तो इतने तक होती है। तो आप अगर ये बेसिक सैलरी है, तो अगर मान लिया आपकी जॉब चली जाती किसी कारणवश, तो 750 से लेकर आपका 900 AED तक का जो वो है प्रॉफिट, वो आपको मिल जाएगा, इतना श्योर है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में कौन सा, मैक्सिमम कैटेगरी बेनिफिट 10,000 AED पर मंथ, यानी कि अगर आपकी सैलरी मतलब 10,000 के अंदर है, द इंटायर वर्क लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द इंटायर यूनाइटेड अमीरात, द एग्रीगेट क्लेम्स पेमेंट शैल नॉट एक्सीड 12 मंथ, 12 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकेगा, इतना इनका कहना है। इससे ऊपर आपको नहीं जाएगा, इतना ही आपको क्लेम मिल सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा बेनिफिट्स। अब इसके प्लान्स क्या कहें, एक बार प्लान भी देख लेते हैं, क्योंकि प्लान भी काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हमें किस तरह के प्लान में मैं फिट आऊँगा, यानी किस तरह का प्लान मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लोगों का अराइज होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका प्लान है, जो प्लान है, अगर जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए जो प्लान है बेसिकली यही वाला प्लान है, कैटेगरी ए वाला। हमको कौन से प्लान के अंदर हम फिट बैठेंगे, हम बैठेंगे कैटेगरी ए के अंदर, जो प्लान है इसी के अंदर हम लोग फिट बैठेंगे, यानी कि कैटेगरी ए प्लान के अंदर ही हम लोग फिट बैठने वाले हैं। तो ये इसमें आपको क्या है, बेसिक सैलरी 16,000 AED और बिलो, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इतनी तो होती नहीं, इंडियन की जो सैलरी होगी वो 10 to 16K हो सकती है अगर वो इंजीनियर्स लेवल तक का है, तो नहीं हेल्पर है तो 1,000 AED होती है। और अच्छा हेल्पर है, टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रिशियन है, तो 1500 तो जाएगी। तो ये सैलरी का रेंज कैटेगरी है। तो जैसे इसने लिख दिया है, इसने मैक्सिमम लिख दिया है कि जो आपकी सैलरी है अगर 16,000 से नीचे है तो आपको इस कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, है ना। तो इसमें आपको क्या है, देखो 5 AED प्लस बेड पर मंथ, यानी कि 5 AED पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज पड़ेगा। तो आप 12 × 25 = 60, यानी कि अगर आप 12 महीने का अगर एक साथ करते हैं, तो ये आपको 60 AED तो ये देना पड़ेगा, प्लस 5 AED इसमें वेट लग रहा है, है ना। तो टोटल आपको देना है 65 AED। अब इसमें देखो फायदा क्या है, मान ले जाए आप अगर खुद से कर रहे हो, खुद से कर रहे हो तो आपको सिर्फ 65 AED ही देना पड़ेगा, यानी कि आपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप डायरेक्ट यहाँ पर कैटेगराइज करके आप कर सकते, मतलब अपने मोबाइल से यूज करके आसानी से कर सकते हो, या करते हो तो आपको इतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी बंदे के थ्रू करते हैं, तो उसका चार्जेस भी आप जोड़ लीजिए, मैक्सिमम 20 से 40 आपको चार्ज करेगा, तो आपको पड़ेगा 100 तक का पड़ सकता है। ये है कैटेगरी बी के अंदर हम लोग आते नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, 16,000 से ऊपर की सैलरी अगर बेसिक है तो इसके अंदर का आता है। इसमें प्रॉफिट जो है 20,000 पर मंथ आपको मिलेगा, इसमें जो प्रॉफिट है 10,000 पर मंथ मिलेगा। अभी आप लोग ये कन्फ्यूजन और होंगे कि 10,000 पर मंथ हमको कैसे मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी 700-800, तो 60% आप निकाल लो वो आएगा अगर आपकी जॉब जाती है तो।
1 से 2 साल के लिए वैलिड है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप, मैंने आपको बताया था, आप सब्सक्राइब कीजिए, डायरेक्ट वहाँ सब्सक्राइबर वाला ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब करने के बाद आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आता है पेमेंट मेथड, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। पेमेंट इसमें मंथली है, क्वार्टरली है, आप देख सकते हो पेमेंट ऑप्शन क्या है, मंथली भी आप कर सकते हो, क्वार्टरली है, सेमी एनुअल है और एनुअल है, यानी कि 4 तरह का पेमेंट मेथड है, फुल एनुअल है ना। तो इन 4 तरह के मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, महीने के हिसाब से भी कर सकते हो, यानी कि आपका ज़्यादा गुंजाइश नहीं, 5 रुपये पर महीने कटाओ। क्वार्टरली कटाना चाहते हो तो 5 या 15, 5 चौके 20, 20 रुपये पर मंथ कटाओ, पर क्वार्टरली कटाओ। सेमी एनुअल यानी 6 मंथ में अगर आप करना चाह रहे हैं तो 6 × 5 = 30, 30 कटाओ, और साल भर में करना तो मैंने बता दिया 65 प्लस है ना, इतना लगेगा वैट लगा के, और इनमें भी अगर आप वैट जोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो बेहतर ये है कि आप एक बार में कराएं, साल भर के लिए छुट्टी हो, ऐसा भी ना हो कि आपका छूट जाए फिर आपको फ़ाइन पड़ेगा। फ़ाइन दोस्तों काफ़ी तगड़ा, 400 से भी ऊपर का फ़ाइन है। तो इन चीज़ों से बचे रहें, और डायरेक्ट जैसे ही आप इस पोर्टल को खोलते हो तो सब्सक्राइब ऑप्शन मिलता है, सब्सक्राइब ऑप्शन में फॉलो करते हुए चले जाइए, आपका ये हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको। तो ये दोस्तों अभी हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि आप कैसे आप इस इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इस एम्प्लॉयमेंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। जी हाँ, आप अनएम्प्लॉयड होते हैं या आपको चोट लग जाती है या किसी तरह का आपका नुकसान हो जाता है, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, सडन आप गिर गए, आप काम करने जाने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो कुछ सैलरी आपको देती है। वो टाइमिंग हमने हमने आई बटन में आप देख सकते हैं वीडियो से बनाया था वो भी है। उसके बावजूद भी अगर इसे इंश्योरेंस आपके पास है, आप किसी भी तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, वन बाय वन आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हमने ये स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके साथ में लगाई है, इससे भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन। तो वीडियो अच्छी लगी हो, शेयरेबल हो तो शेयर करें, और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन शेयर कराएं और चैनल ग्रो होने में काफ़ी मदद करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियोज में, तब तक इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।